हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज नहीं गाइस कल दीदी का बर्थडे है, तो रात के 12 बजे हम लोग सोचे मैं और वंशु देंगे दीदी को सरप्राइज। तो इसकी तैयारी के लिए तो भाई इसलिए हम लोग भी उसके लिए कुछ करने जा रहे हैं। छोटा से हम लोग थोड़ी सी हमने सोचे छोटी सी पार्टी जैसा कर लेंगे, हम लोग थोड़ा सा उसको इन्जॉय सा फील करा देंगे बढ़िया तरीके से। हम लोग जाएंगे अभी जा रहे हैं बेकिंग शॉप। उससे पहले गाइस हम लोग आए हैं छत पे, क्योंकि हम लोग करेंगे छत पे डेकोरेट। पता है किधर हम लोग सोचे हैं गाइस, ये वाली जो हमारी बॉल है, दीवार है ना, इसको हम डेकोरेट करेंगे बढ़िया तरीके से इधर लगा के बढ़िया से। तो फटाफट से पहले हम लोग ये झाड़ू वाड़ू मार लेते हैं, फिर मिलते हैं। और गाइस वंशिका तो सो गई थी अभी, है ना गाइस। पता है ये सो रही थी, मैं फटाफट इसको जगा के लिया था, क्योंकि दीदी अभी सो रही है तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा हम लोग कहाँ हैं, छत पे आ रखे हैं अभी हम लोग। पहले फटाफट से पहले झाड़ू लगा लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं। वो गाइस देख रहे हो कितनी मट्टी हो रखी है, देखो। पता क्यों, क्योंकि दो तीन दिन से बारिश जैसा मौसम होता है, तो बारिश वगैरह होती थोड़ी बहुत, और पूरी मट्टी हो जाती है। और देखो ये ऐसे ही आगे उठ के सो रही थी गाइस ये भी अभी। तो चलो गाइस पहले हम लोग सफाई कर लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं। देख सकते हैं भैया अभी ना सफाई करने में लग गया है गाइस, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदगी हो रही है, कुछ ज्यादा ही हो रही है। ये देखो मिट्टी जम गई है गाइस, देखो जम गई है। इतने दिन से सफाई नहीं करता तो ऐसा ही होता है छत पे। मेरी आवाज़ को इग्नोर करना, क्योंकि जिस दिन हम बारिश में नहाते ना मेरी आवाज़ जाम होती है एकदम। सफाई करने के बाद मेरे को भी कराना है, ऐसा नहीं मन कर मेरे को। तो गाइस मैंने इधर की पूरी एरिया की सफाई कर ली है, झाड़ू लगा दी, देखो गाइस परफेक्ट तरीके से। बस ये पौधा हम हटा नहीं सकते, तो इसलिए हमने नहीं हटाए इसे, ये यहीं पे रखा रहेगा। हम सोचे इस वॉल पे हम करेंगे डेकोरेट इस वॉल को बढ़िया तरीके से, और यहाँ पे बल्फ लगा देंगे। तो गाइस क्योंकि रात में बहुत अंधेरा हो जाएगा तो बल्फ लगाना ज़रूरी है, तो बल्फ लगाएंगे। हाँ बल्ब ट्यूबलाइट मतलब, समझ गए गाइस, वो लगा देंगे अभी। और गाइस इस तरफ बंस का लगा रही झाड़ू, क्योंकि मैंने इस तरफ की लगाई गाइस, बहुत ज़्यादा इस तरफ मट्टी थी तो मैं थक गया। देख रहे हो गाइस पूरा पसीना पसीना हो गया, क्योंकि मैं कभी झाड़ू वगैरह नहीं लगाता हूँ, दीदी ये सब काम करती है, तो इस वजह से हम लोग थक गए गाइस। वंश का ना वंशु काम करते करते, तो अभी इधर की वंश का लगा दी झाड़ू। वंशु फटाफट लगा ले। तो गाइस वंशिका को बोलते हो फटाफट लगा ले, क्योंकि गाइस संजू दी कभी भी उठ सकती है, तो उससे पहले हमें सफाई करके नीचे जाना है, और फिर थोड़ी देर बाद उसको ऐसे ही कुछ भी बोल के हम लोग बाहर निकल जाएंगे, उसके लिए केक लेने और उस सरप्राइज पार्टी के लिए पूरे अच्छे से डेकोरेशन का सामान लेने, और पेप्सी वगैरह लेके आएंगे बढ़िया से, समोसे वगैरह बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट करेंगे गाइस रात में, आप लोग को दिखाएंगे अब, है ना वंशु। तो चलो पहले ये झाड़ू लगा ले यहाँ से, फिर दिखाऊंगा। और गाइस यहाँ पे देखो कितने सारे पौधे हम लोगों ने लगा रखे हैं, देख रहे हो। तो चलो फटाफट से काम कर लेते हैं हम, फिर आपको मिलते हैं, फटाफट काम करके फिर मिलते हैं आपको। जल्दी लगा वंशु, देख सकते हो पूरी छत एकदम क्लीन हो गई, कोना कोना, बस वो वाला कोना रह गया, उसको भी अभी मिट्टी हटाएंगे, वो भी उसके बाद साफ करेंगे। ऐसे ही नहीं हटाएंगे क्योंकि ऐसे ही नहीं रहने लगी, क्योंकि बाद में ही मिट्टी यूज़ करनी होगी, नहीं यहीं रहेंगी। और गाइस वंशिका ने बिल्कुल नहीं किया, वंशिका ने बोला कि मैं कर लूँगी, और वंशिका बोलने लगी मैं थक गई तो लास्ट में मुझे झाड़ू लगानी पड़ी पूरे उसमें, पूरा क्लीन कर दिया। आप फटाफट से चलते नीचे और फिर चलते हैं हम लोग बेकरी की शॉप पे। तो गाइस आप लोग को दिखा दें, दीदी हम लोग आ चुके हैं नीचे और दीदी सो रही है, आप दिखा दें। अच्छा गाइस अभी दीदी सो रही है, अभी सो रही है, तो हम अभी दो दीदी सोते हैं, वो जग जाएगी, फिर मैं और वंशिका निकलेंगे फटाफट से। वो गाइस पूरा पसीना पसीना हो गया, मैं वंशिका ने कुछ नहीं किया, वंशिका बस बोलती है। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं नीचे, हमने ऊपर ब्लॉग शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि दीदी को पता चल गया था हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट नीचे आ चुके हैं। हमने बहाना ये लगा दिया कि वंशिका को स्कूल के लिए प्रोजेक्ट के लिए सामान लेना है, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं नीचे।
और बताइए ये बहाना मार के हम लोग आए नीचे। देखो गाड़ी गाड़ी भी देखो गाइस कितनी गंदी हो जाती है। नहीं है गाइस, गाइस देख रहे हो स्कूटी इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि पगल में मकान बन रहा है किसी का, देख रहे हो। तो चलो पहले सफाई कर लेते हैं स्कूटी की, फिर चलते हैं फटाफट। तो गाइस पूरा मुंह पे कैमरा कर दीजिए, भैया पूछ रहा है हमको बच्चे, अब भैया डिजाइन डिजाइन दिखाएगा कौन से, उसके बाद देखेंगे कौन से फाइनल कर रहा है। मेरे लड्डू देखो खाने पीने की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। मैं सोच रहे हम इधर से ही केक भी ले लें, फिर एक ये वाला ब्लू वाला केक पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा है ये, और एक ये वाला देखो चॉकलेट वाला, मतलब इन सब में से कोई सा भी ले सकते हैं हम अगर इधर से लिया तो। अभी इधर से ले रहे हैं अभी सभी भैया देखा और होगा ना गाइस। हमने पूरा कॉम्बो वगैरह बुक ले लिया है, ये देखो याला लिया हमने और केक हमने याला लिया है। तो चलो गाइस फटाफट से चलते हैं। और गाइस इसमें और भी थे, मैंने पूछा वंश कैसे और कोई लेना है तो बता दे, अभी ले लेंगे फटाफट। तो गाइस केक वगैरह हमने दोनों ने ले लिया, फटाफट से चलते हैं घर, घर पर जाके डेकोरेट भी करना है। दीदी तो अभी भी सो रही होगी, अभी भी देख ले, अभी भी देख ले, कोई और चाहिए तो ले ले। तो गाइस हमने सब कुछ ले लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं घर पे। अब देख लो यार वो आके का सामान उधर है। और गाइस भैया बोल रहे हैं जो हमारी वीडियो देख के आएगा उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो भैया तो उधर चले गए अभी। तो चलो अब चलते हैं, चले वंशु। हो गए इसके चक्कर में हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, पता है उसको सो एकदम फोकस होती आ गई, गिर गया। पकड़ पकड़ पकड़, तेरे भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसको तू पकड़ ले। ये पकड़ वंशु, यस। तो गाइस हमने सब कुछ ले लिया है। और गाइस आपको एक चीज़ और बतानी है, क्या क्या हम उसको सोता हुआ ही छोड़ के आ गए थे, अब फटाफट से चलते हैं। अनवंशु हाँ। अभी भी वो सो ही रही होगी, अंकल ने उसे फ्री दे दिया, चलो। तो गाइस हम लोग डायरेक्टली आ चुके हैं अपनी छत पे बेटी से, ना हम घर में गए ना कहीं गए, हम डायरेक्ट छत पे आ गए। दीदी को भी नहीं पता, दीदी मुझे कॉल कर रही है, तो मैंने उसको बोल दिया कि दी वंशिका का कुछ सामान है, वंशिका को मिल नहीं रहा है, हम दूसरी दुकान पर आए, तो हमें लगेगा थोड़ा टाइम। और गाइस एक चीज़ और बताएं, हमारी इतनी ज़्यादा किस्मत ख़राब है, पता है क्या, इसे देखो, ये देखो गाइस बारिश होने लग गई। गाइस जब हम बारिश चाहते हैं बारिश हो, जब बारिश नहीं होती बिल्कुल भी, आज बारिश हो रही है देख रहे हो, ऊपर से इतना पसीना पसीना हो गया हम लोग। हमने आते समय कोई ब्लॉक शूट नहीं करा क्योंकि ये किसने पकड़ रखा था, स्कूटी मैं चला रहा था इस वजह से। और गाइस अब ये वैसे हो जाएगा, बारिश होगी तो हम डेकोरेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग सोचें कि अभी थोड़ी ज़्यादा तेज़ नहीं होगी, अगर हमने डेकोरेट कर दिया
और तेज बारिश होगी तो सब खराब हो जाएगा। तो अभी हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, देखो डेकोरेशन का सामान लेके बैठी हुई है वंशिका इधर सर पे हाथ रख के। अब गाइस हम लोग क्या करें समझ में नहीं आ रहा, देख लो वो गाइस बादल बादल पूरे में हो गए, पहले नहीं थे बादल, देखो इस साइड नहीं है और अब बारिश हो रही है। अगर गाइस थोड़ी देर वेट करता है, अगर तेज नहीं हुई तो हम डेकोरेट कर देंगे, अगर नहीं हो गई तो हम लोग को हमारा प्लान तो स्क्रॉल हो ही जाएगा, नीचे हमको करनी पड़ेगी डेकोरेशन, फिर दीदी को भी पता चल जाएगा हम लोग क्या कर रहे हैं। और गाइस हम लोगों ने इतने मन से हम लोगों ने सरप्राइज प्लान किया था संजू दीदी के लिए, उसके लिए किराए पर पानी फिर गया गाइस। और गाइस हमने केक बहुत अच्छा लिया, आप लोगों को दिखाएंगे। और गाइस केक हमने रख दिया है, पता है हमने केक रख दिया है हमारी फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर वाली जो आंटी है उनके घर पे हमने केक रख दिया अपना। अब तो चलो अब देखते हैं क्या कर सकते हैं हम, बारिश रुक गई तो हम डेकोरेट करेंगे। गाइस हमारे साथ तो मुसीबत लगी रहती है, पता है क्या हो गया, अब बारिश से छुटकारा मिला तो अब एक चीज ये हो गई कि ये कर्टन थोड़ी छोटी पड़ गई, देखो इतनी सी है ये, कम से कम इसको यहाँ से यहाँ तक का होना था, ये छोटी है, तो अगर ये छोटी होगी तो फिर इसका सामान पूरा अच्छे से इस पर लगेगा नहीं। अब मैं ये समझाओ, अब ये ड्रामेबाजी हो गई हमारे साथ, अब फिर हमको जाना पड़ेगा है ना वंशु। अब गाइस फटाफट से जाना, गाइस ये तो कुछ बोलते पता है क्या, अब पता है दीदी को हमने झूठ बोल के बाहर आ रहे थे छत पे हम बैठे हुए हैं, और लेट होगा तो दीदी बोलेगी कहाँ गए थे तुम लोग, क्या करें समझ नहीं आ रहा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि वंशिका जाएगी घर में, अब मैं फटाफट जाऊँगा, मैं आ जाऊँगा ना, अब फटाफट से इसका ध्यान रखती है। तो चलो गाइस अब मैं जाता हूँ वहाँ पे लेके आता हूँ कटन दोबारा है ना। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं नीचे वाले कमरे में, अपने घर में ही आ गए, क्योंकि वहाँ पे पता है क्या हुआ, ऊपर ना बहुत तेज हवा चलने लग गई तो पूरी कटल उलझ गई, देखो नीचे से खराब भी हो गई थोड़ी बहुत, तो हम लोग नीचे आ गए, हमने नीचे लगा दिया ये सब। और हम दीदी गई है, पता है हमने किसी बहाने से दीदी को भेज दिया मार्केट, उसको कम से कम आधा एक घंटा लग जाएगा तो उतने में हमारा काम भी हो जाएगा, पता है क्या, तो फटाफट से कटन्स ले आ रहा हूँ, एक कटन्स यहाँ पे लगा दूंगा तो कम्प्लीट हो जाएगा, फिर हम ये सब पूरा डेकोरेट कर लेंगे। और गाइस इतने सारे बलून है, ये सारे फुला के लगाने भी हैं, तो चलो गाइस पहले हम लोग काम कम्प्लीट कर लेते हैं पहले, फिर आपको मिलते हैं, पहले मैं जाता हूँ कटर्स लेने के लिए। और गाइस हम लोग को मौका बहुत अच्छा मिल गया क्योंकि दीदी चली गई। और गाइस सिब्बू देखो गाइस सोते हुए कितना प्यारा लगता है, ये सो रहा है अभी, तो चलो गाइस हम फटाफट से मैं जाता हूँ, फिर आप आके डायरेक्टली अब आपको घर पर मिलूँगा, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा समझ लो ना। तो गाइस हम लोगों ने डेकोरेट कर लिया इस साइड, हमने अभी बलून नहीं लगाए, बलून वंशिका लगा लेगी, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ मम्मी को लेने, क्योंकि मम्मी ने फ़ोन किया है मुझे कि लेने के लिए आ जाओ, तो मम्मी को लेने जा रहा हूँ। पहले उससे पहले मैं आपको एक बार डेकोरेशन दिखा देता हूँ हमने कैसे करी है। तो ये देखो गाइस देख रहे हो गाइस गाइस वंशिका ये रही हमारी, और ये मेरा, क्योंकि मैंने वंशु ने मिलके इतने अच्छे डेकोरेशन किए। और गाइस दीदी अभी तक नहीं आई है, दीदी को पता भी नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, दीदी आ जाएगी थोड़ी देर में, उससे पहले हमें डेकोरेशन निपटानी पड़ेगी। तो चलो आपको मिलते हैं अब थोड़ी देर में, पहले मम्मी को ले आता हूँ मैं फिर। तो गाइस मैं मम्मी को लेके आ चुका हूँ, और अभी मैं नीचे गया था केक लेने के लिए, मैं और वंशु। ये देखो गाइस वंशिका आ चुके, केक ले रखी हाथ में, आ जाए वंशु। और गाइस दीदी घर में ही है, दीदी को बताइए मत, आराम से रख दे जा, जा। गाइस मम्मी ने बता दिया, मम्मी ना बहुत तेज है गाइस, मम्मी हर किसी के बर्थडे में वैसी करती हैं, देख ले गए संजू दी। गाइस ये बोल रही थी कि मेरे बर्थडे को कोई कुछ नहीं करेगा ऐसे ही है, पर हमने ये कह रही थी मैं खुद मंगाऊंगी अपने बर्थडे पे केक, पर हमने इससे पहले ही मंगा दिया। नहीं 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 मत दिखा जब भी दिखाएंगे रखिया, नहीं नहीं ये सरप्राइज रहने देना, एक तो सरप्राइज रहने दे, आ तुझे डेकोरेशन दिखाऊं, आ जा, डेकोरेशन तो तूने देखी नहीं होगी, आ जा जल्दी आ, इसने देखी नहीं है, नहीं देखी है, आ जा, हाँ आ जल्दी आ। तो गाइस हम संजीत दीदी की रिएक्शन नोट करते हैं, आ जा देख गाइस संजीत दीदी को डेकोरेशन दिखा दी, देखो सिब्बू पहले से ही बैठा है,
कैसी लगी डेकोरेशन? हैप्पी बर्थडे तो सिपू ने कर दिया सब गंदा। अच्छी है ना? तो गाइस इसके लिए हमने बड़ी मेहनत करी थी, छत पे करी तो छत पे आंधी आ गई, फिर बारिश हो गई, उसके चक्कर में हमारा पूरा सामान खराब हो गया, इसलिए हमको नीचे आना पड़ गया। तुम लोग मम्मी व्लॉग देखना। और गाइस पता है वंशिका को उन अंकल ने ये गिफ्ट में दे दिया, पता है क्यों? मेरे वजह से। पता है क्यों? वो अंकल बोले थे चलो गाइस आपको बाद में बताऊंगा वो चीज। गाइस ये लड़की मेरी बहुत बदतमीज है, कभी भी मैं बाहर से आती हूँ कभी पानी नहीं देती, बहुत बदतमीज। चाह पहले मम्मी को पानी ला के दो, जल्दी जाओ, मैंने भूल गए बंस के तुम अपने। तो चलो गाइस अभी थोड़ी देर के ब्लॉग बंद करते हैं, फिर आपको दिखाएंगे जब सब लोग आ जाएंगे, फिर डेकोरेशन दिखाएंगे, फिर केक कटिंग करेंगे हम लोग रात के 12 बजे, केक कटिंग करके सब दिखाऊंगा। पर अभी तो गाइस संजीदी कर रही है, अभी संजीदी बना रही रोटी। गाइस देखो फिर मैं जा रही हूं कपड़े, गोल गोल रोटी बनाना है, रोटी बनानी सारी। ठीक है तो चलो गाइस अभी आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस सारा काम हम सब कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों को तो पता ही है। तो अभी मम्मी पी रही पेप्सी, अभी मम्मी नहा के आई हैं और सिबू पी रहा। और गाइस एक चीज बताओ हमने क्या कर दिया, ये देखो ऊपर से नीचे तक ऐसा करके हमने बलून लगा दिया, सिबू इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है ना वंशु। और गाइस देख रहे हो हमने कितने अच्छे तरीके से डेकोरेट किया है। और सिब्बू को देखो, सिब्बू हाय कह दो, आज तुमने हाय नहीं कहा। हाय चुप बोलो, हाय गाइस, हाय गाइस कह दो, हाय गाइस तो बोलो। कॉक पी लो, कॉक पी लो, बोल दो सिब्बू पी लो, कॉक पी लो। देखो गाइस कैसे घूम रहा है। और गाइस देखो वो भी आ गई, जिसका बर्थडे लग जाएगा गाइस रात के 12 बजे, उसके लिए जिसके लिए हमने ये सब किया है वो गल वहाँ पे बर्तन धो रही है। ओ गाइस को केक दिलाया था, मतलब दिखाया था। हाँ गाइस को मैंने केक वगैरह सब दिखाया था। तो गाइस अब चलो आपको दिखाएंगे डायरेक्टली जो हम लोग केक कटिंग करेंगे। और ये देखो आ गई जिसका बर्थडे लगने वाला है 12 बजे। ये हो जाएगी 20 साल की मेरी बहन गाइस। हाँ ये बढ़िया हो जाएगी, ये 20 साल की हो जाएगी। चक्री चल रही है गाइस, चक्री की। तो गाइस एक मिनट बचा है बस दीदी का बर्थडे शुरू होने में, तो मैं केक लेके जा रहा हूँ, देखो मेरा केक। तो चलो चलते हैं, अभी चलेंगे, टाइमिंग होने वाली है बस मैं ले हैं 12 बजने में, एक मिनट बाकी है सिर्फ, एक मिनट। तो चलो हम फटाफट से चलते हैं केक लेके। अब देखते हैं 12 बज गए हैं, अब चलते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, ये ले मैंने बोला पहले, तो पहले मैंने बोला हैप्पी बर्थडे। तो गाइस केक लेके मैं आ चुका हूँ, ये देखो यहाँ इस पे लिखवा रखा है हमने दीदू गोपाल, पापा ने फोड़ दिया पहले गाइस। गाइस सिबू ने पहले हाथ ही बोल निकाल दी इसकी, यहीं पे थी चिपका दे ऐसे ही। देखो गाइस केक कैसा है, पिंक कलर का लिया। नंगे पड़े हैं गाइस फोटो सेशन चल रहा है, वंशु कोने में पड़ी हुई है। सिब्बू हाय के दो, ले वंशु की फोटो खींच, हाय के दो। गाइस इसने पहले केक चख लिया, कर दी ना इसने से पहले हाथ केक चख लिया। देखो देखो गाइस मोमबत्ती उठा रहा है, करने जा रहा हूँ। तो गाइस पहले मैं मोटर बंद करके आता हूँ। गाइस सिब्बू पागल हो गया। गाइस अभी सब लोग इधर बैठे थे, अभी इधर बैठ गए जहाँ पे डेकोरेशन हुई है, रोने लग गया गाइस। ये देखो अब केक काट लो वरना वो रोता ही रहेगा। गाइस केक कट नहीं कर रहे, सिर्फ फोटो खींच रहे हैं पहले ये लोग अभी तक। ऐसे कर रहा है सबके साथ खींच देना।
गाइस से एक मोमबत्ती नहीं जल रही, देखो अभी तक इतने देर हो गई। ऐसे ही कर ले यार, तू ऐसे ही काट दे के। इसको कुछ देखो ना जल्दी, इसकी लग रही है। पापा कोने में बैठे हैं, ये देखो आ जाना सबको ले। गाइस पहले हैप्पी बर्थडे बना दिया उसने, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। गाइस ये देखो अभी से केक तो काट दे, कैसे बुरा लड़ रहा है, लड़ रहा है वो। गाइस ने पहले हाथ बोल उठा ली इसकी, वो खाने वाली बोल नहीं है। गाइस वो खाने लग गई। हैप्पी बर्थडे कंजे, हैप्पी बर्थडे पापा। ला यार केक काट दिया हो तो दे दे, अब खा ले रहे हो। खिला दे सब केक। अब वंश का क्या, तू सजाती रहेगी उसे। अरे उंगली से कट, खिला दे अब जल्दी से। गाइस वो काट नहीं रहा, देखो चक्कू मार रहा है केक के अंदर, देखो मटर से करे, देख रहे हो। गाइस जिसका केक है वो ही नहीं काट पाया अभी तक। मैं तो खाता नहीं हूँ, तुम खाओ। गाइस पापा को खिला दिया केक। गाइस मैं वो किसने नहीं खिलाया, मैं अकेले ही खा ले रहा हूँ खुद ही। प्लास्टिक की नहीं है, मैं तो मर्डर कर दिया। काट नहीं दे रहा केक, जल्ला था जल्ला था कंजा। यहाँ बर्थडे चल रहा, वो कह रहे जाने मन तेरा यूं मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। गाइस केक कट गया, हैप्पी बर्थडे। केक कट गया, अब मम्मी सबको रसमलाई कर रही है क्योंकि पापा लेके आए थे रसमलाई। गाइस अभी देख, ए मत कर ऐसे, नहीं करते ए भी चल जाएगा। अरे नहीं चलेगी। गाइस हैप्पी बर्थडे हो गया पूरी पूरी। गाइस तेरे पे आ गया ये सिब्बू को देखो। देख रहे हो गाइस उनको दी जाएगी। मेरी पापा? मेरी गई है तो गाइस हम तो खुद ही ले लेते हैं। पापा ने गाने में तो गाइस देखो, गाइस देखो मेरे में हार्ट शेप की आई है, देखो हार्ट शेप। बुआ चलो गाइस आपको मिठाई खिलाते हैं, पहले खा लेता हूँ। अरे ना देखो इनके सबका मिलाप चल रहा है, बर्थडे जिसका उसको गले नहीं लगा रहे। गाइस पता नहीं दो दो बार क्यों क्या केक की वो जला रही है वंशु, पागल हो गई। केक ले ले, गाइस बन गया की बर्थडे। तो गाइस में मुझे रसमलाई से ज्यादा देखो दूध अच्छा लगता है क्योंकि दूध बहुत टेस्टी होता है इसका ना वंशु। और गाइस सबने रसमलाई खा ली, पापा गाने सुन रहे अपने फोन में, और इसने देखो गाइस पूरे केक का भरता बना लिया। देखो तो गाइस केक हो गया, सब कटिंग कर दी थी। अब मैं इस फ्रेम में रखने जा रहा हूँ क्योंकि बच्चा ने तो देखो इसका प्लस्तर सा कर दिया, और इसको अब रखे हम फ्रेम में। तो गाइस इस ब्लॉग अगर तो यही एंड, अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
कल का ब्लॉग और भी मजेदार होने वाला है। क्या है गीला कपड़ा वहां से ले ले। तो गाइस कल का ब्लॉग और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो कल का ब्लॉग देखना मत भूलिएगा। कल का ब्लॉग आपको परसों मिलेगा, तो देख लेना।